नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजीव यादव। आज हमारे साथ सरसों के फेमस व्यापारी महावीर कुमार जैन जी हैं, तो इनसे जानेंगे कि अशोक नगर की कृषि उपज मंडी में वर्तमान समय में कितनी आवक हो रही है। आज बुधवार का दिन है, लगातार दो दिनों तक नीलामी होने के बाद आज तीसरे दिन की नीलामी चल रही है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो व्यापारी और यहाँ पर ट्रालियाँ लगी हुई हैं, यहाँ पर खरीदी चल रही है, कुछ और व्यापारी भी उनके साथ में, तो इनसे जानेंगे कि क्या स्थिति चल रही है। पहले तो आपका मार्केट टाइम्स टीवी में स्वागत है। जी धन्यवाद साहब, बहुत बहुत मार्केट टाइम का। और आज अशोकनगर मंडी में सरसों की आवक 1500 से 2000 हो रही है। हाँ। और भाव 47 से 47.5 की रेंज में बिक रहा करीब करीब, और हल्की पतली माल 47.5 के आसपास बिक रही है। अधिकतर माल तो पंजीयनों में तुलने जा रहा हमारे यहाँ से। अच्छा, तो इसका पंजीयन के कारण से क्या दामों में यहाँ तेजी है? यहाँ पंजीयनों में जा रहा तो इसलिए हमारे मार्केट में सरसों तेज बिक रही है। अच्छा, सारी सर कितना असर पड़ा है इसको, कितना? कम से कम 150-200 रुपए तेज बिक रही है सर पंजीयन के कारण। कितने दिनों में बढ़ा है ये भाव 150-200 रुपए का? ये तो रोज जब से पंजीयन शुरू हुआ तब से ही समझ लो। अच्छा, यानी जो समर्थन मूल्य पे खरीदी शुरू हो गई उसी दिन से ये मंडी 100-150 रुपए तेज बिक रही है। अच्छा, आगामी समय में क्या कहना चाहेंगे? आगामी समय में सब गवर्नमेंट की पॉलिसियों पर निर्भर रहता है। गवर्नमेंट पे स्टॉक बढ़ता ही आ रहा है। हाँ। अब गवर्नमेंट कब कैसे बेचेगी? हाँ। उसकी यही आजकल मंदी तेजी व्यापारियों के हाथ में कम, गवर्नमेंट के हाथ में ज्यादा हो गई है। उसकी पॉलिसियों पर निर्भर हो गई है, वो कब माल खरीदती है, कब बेचती है, कितनी क्वांटिटी में बेचती है, कब बेचती है, इस पे मंदी तेजी। आजकल मंदी तेजी जो माल गवर्नमेंट खरीदती है पंजीयनों में, उसकी मंदी तेजी गवर्नमेंट के हाथ में। आपका क्या मानना है इस बारे में? आपका जैसे अनुमान रहता है, आप काफी लंबे समय से व्यापार से जुड़े हुए हो, तो आपका अनुमान क्या रहता है, क्या हो सकता है आगे दाम के बारे में? मैं बता तो रहा हूँ, आगे सब अनुमान जो चीज पंजीयन में जा रही है उसका अनुमान तो गवर्नमेंट ही बता सकती है। इस बार जैसे आगामी समय में कुछ बढ़ने की उम्मीद है मंडी में उछाला? गवर्नमेंट ने अगर बिकवा लिया, पंजीयन खत्म हो जाएगा और गवर्नमेंट ने बिकवाली ने रोक दी, तो इसमें 200-300 रुपए, कभी भी 400 रुपए बढ़ जाएंगे। 400 रुपए बढ़ सकता है। आवक क्या रह सकती है उस टाइम? आवक तो धीरे धीरे क्या होता है, जब रेनी सीजन आता है तो घटती चली जाती है रेनी सीजन। अच्छा। में जैसे बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा उस समय, हाँ, उस टाइम आवक रह जाएगी 500-700 हो रहेगी बस हमारे। इस बार बीते साल की अपेक्षा देखा जाए तो क्या अंतर देखने को मिल रहा है सरसों में? उत्पादन अधिक हुआ है, कम हुआ है क्या? नहीं, पिछले साल जैसे ही है, थोड़ा बहुत फर्क होगा, उत्पादन में कोई कमी वमी ज्यादा नहीं है या ज्यादा हुआ है? करीब करीब पिछले साल जैसा ही है, थोड़ा बहुत फर्क होगा, 2-4-5% का क्यों भाई, 5-7% कम हो या ज्यादा हो बस। अच्छा, अच्छा।